हेलो एवरीवन वेलकम टू पवन वाग एकेडमी आई एम अंकिता और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर का तो लास्ट वाली क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया था कि कब कोई कोई भी सेल का हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर आपको कोई भी सेल का फॉर्मुलेशन दे दिया जाए तो उस सेल को देख के हम लोग पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करेंगे मैंने उसका कुछ ट्रिक्स बताया था आपको साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको कोई भी फॉर्मूलेशन दे दिया जाए तो आप लोग उसकी हेल्प से सेल रिएक्शन को कैसे लिखोगे साथ ही साथ मैंने आपको ये वाला पार्ट भी कवर कराया था कि सेल रिएक्शन लिखने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पे लिखने का है इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कैसे करना है ओवरऑल सेल रिएक्शन कैसे ऑप्टेन करनी है और कैलकुलेशंस को कैसे करना है तो लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने मेजर पार्ट डिस्कस किया था तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका थर्मोडाइनमिक्स ऑफ गैलवानिक सेल गैलवानिक सेल की हेल्प से हम लोग थर्मोडाइनिक्स को स्टडी करने वाले थर्मोडाइनमिक्स कौन से कौन से इन्वॉल्व होती है किसी भी गैलवानिक सेल के अंडर में ठीक है तो जो भी आपका थर्मोडायनेमिक्स है गैलवानिक सेल का उसके अंदर में हम लोग देखेंगे कि आपका रिलेशन क्या होता है को भी, भी ग्रिप्स फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रो पोटेंशियल के बीच में का तो क्योंकि अगर मैं बात कर रही हूँ थर्मो की तो थर्मोडाइनमिक्स जो होता है उसमें हम लोग हीट चेंजेस इसी का मतलब एनर्जी चेंजेस को स्टडी करते हैं और ये सारे के सारे एनर्जी चेंजेस हम लोगों को गैलवानिक सेल में स्टडी करने हैं ठीक है अब गैलवानिक सेल में अगर मुझे सारे के सारे चेंजेस स्टडी करने हैं तो सबसे पहला टॉपिक जो मुझे पढ़ना है वो है रिलेशन रिलेशन बिटवीन द गिप्स एनर्जी एंड इलेक्ट्रो पोटेंशियल ये जो रिलेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं साथ ही साथ आपको यहाँ से एमसीक्यूज भी देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ये जो फिजिकल केमिस्ट्री के छोटे छोटे चैप्टर्स हैं यहाँ पे हम लोग को छोटे छोटे पॉइंट में भी एमसीक्यू मिल जाता है तो चलिए देखेंगे उस पार्ट को तो नेक्स्ट पार्ट है आपका रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन कीप्स एनर्जी एंड cell पोटेंशियल तो जो भी आपकी Gibbs एनर्जी है Gibbs एनर्जी को मैं बोल रही हूँ डेल्टा जी और जो भी आपका सेल्फ पोटेंशियल है इसको मैंने बोला है ई एम एफ ऑफ सेल पोटेंशियल चलिए देखेंगे इसको अगर मुझे रिलेशन ऑप्टेन करना है इन दोनों के बीच में जिसका नाम है गिप्स एनर्जी और सेल पोटेंशियल के बीच में गिप्स एनर्जी जी से स्टार्ट होता है इसलिए मैंने डेल्टा जी लिखा है सेल का पोटेंशियल कोई भी सेल का जो पोटेंशियल होता है उसी को हम लोग ई बोलते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे ई e सेल लिखा है चलिए देखेंगे इस चीज़ को सबसे पहली चीज़ तो ये है दिमाग में क्वेश्चन ही आता है कि जब मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन को अपटेन करना है तो मुझे कुछ ना कुछ एक ऐसा फैक्टर चाहिए जो इसमें भी हो कॉमन और जो इसमें भी हो कॉमन तभी जाके तो मैं इनके बीच में रिलेशन को अपटेन कर सकती हूँ ना जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर ए बी और सी ये तीन फ्रेंड्स हैं अगर ए है बी का दोस्त और बी है सी का दोस्त तो ए और सी भी एक दूसरे के दोस्त हुए कि नहीं हुए हुए ना उसी तरीके से अगर ये है आपका ई एम एफ़ ये है आपका गिब्स एनर्जी तो यहाँ पे ये कौन सा टर्म है जो इसका भी दोस्त है इसका भी दोस्त है तो मुझे बस ऐसी ट्रिक को याद रखना है काम की चीज़ जो है वो ये है एक तरफ आप लेंगे गिब्स फ्री एनर्जी दूसरी तरफ आप लेंगे ई एम एफ़ मुझे इनके बीच में रिलेशन को ऑप्टेन करना है तो बीच में जो चीज़ आने वाली है वो है आपका वर्क वर्क जो है वो इसका भी दोस्त है वर्क जो है वो इसका भी दोस्त है तो ये दोनों भी तो एक दूसरे के दोस्त हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे हो जाएंगे इसीलिए बस मैंने इतना जाना कि पहले मैं वर्क का रिलेशन इसके साथ निकालूंगी फिर मैं वर्क का रिलेशन इसके साथ निकालूंगी फिर मैं इन दोनों को डायरेक्टली कंपेयर करूंगी तो मुझे इन दोनों के बीच में एक रिलेशन मिल जाएगा क्योंकि ये इसका भी दोस्त है ये इसका भी दोस्त है और उस नाते ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हुए फ्रेंड्स चलिए देखेंगे आगे अब बात करेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क की तो इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है इलेक्ट्रिकल वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क का मतलब ही होता है आपका एन एफ ई सेल एन एफ ई सेल का मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और ई e सेल का मतलब होता है आपका ई एम एफ ऑफ सेल ठीक है तो ये हुआ आपका फर्स्ट रिलेशन कि जो भी आपका इलेक्ट्रिकल वर्क होता है उसी का मतलब होता है एन एफ ई सेल चार्ज इंटू सेल का पोटेंशियल सेकेंड थिंग ये है कि जो भी आपका इलेक्ट्रिकल वर्क है इलेक्ट्रिकल वर्क उसी का मतलब होता है डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी अगर गिब्स एनर्जी का वैल्यू जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है ना तो वो भी आपका इलेक्ट्रिकल वर्क ही है और इसका मतलब होता है माइनस डेल्टा जी सबसे काम की चीज़ जो है वो ये है यहाँ पे कि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है दीप फ्री एनर्जी का जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कहीं पे भी अगर आपको इंक्रीज लिखा जाए तो आप अल्टीमेटली वहाँ पे प्लस साइन को प्रेडिक्ट करते हो सिमिलरली अगर कहीं पर भी आपको डिक्रीज लिखा जाए तो आप वहाँ पर माइनस साइन को प्रेडिक्ट कर लेते हो याद रखना है ये चीज़ डिक्रीज का मतलब आपको माइनस साइन वहाँ पे लगाना है भूलना नहीं है ठीक है तो फर्स्ट वर्क है आपका एन एफ ई से सेकेंड वर्क है आपका डिक्रीज इन गिव्स एनर्जी मतलब माइनस डेल्टा जी चलिए जैसे कि मैंने अभी आपको रिलेशन बताया अगर ए बी का दोस्त है बी सी का दोस्त है तो ए और सी भी एक दूसरे के दोस्त हुए इन द सेम फैशन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल वर्क का दोस्त है गिब्स फ्री एनर्जी भी वर्क का दोस्त है तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हुए दोस्त तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कंपेयरिंग वन एंड टू कंपेयरिंग वन एंड टू अगर मैंने वन और टू को कंपेयर किया तो मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकती हूँ माइनस डेल्टा जी इक्वल्स टू एन एफ ई सेल साथ ही साथ मैं इस माइनस साइन को यहाँ पे भी लेके जा सकती हूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल तो इस तरीके से मैंने एक रिलेशन ऑप्टेन कर लिया है जो है गिब्स एनर्जी और ई एम एफ ऑफ द सेल के बीच में ये भी था वर्क के इक्वल ये भी था वर्क के इक्वल उस नाते ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो गए तो डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल चल। चलिए अगर मैं बात करती हूँ स्टैंडर्ड कंडीशंस की स्टैंडर्ड कंडीशंस की अगर बात की जाए स्टैंडर्ड कंडीशंस तो स्टैंडर्ड कंडीशन में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कभी भी जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को स्टैंडर्ड स्टेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग करते कुछ भी नहीं है हम लोग बस उसके ऊपर में नॉट लगा देते हैं जो नॉट होता है ना ऊपर वाला वो एक स्टैंडर्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल इस तरीके से तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपको गिफ्ट फ्री एनर्जी और ई के बीच में रिलेशन पेपर में आ जाए या तो आपको ये रिलेशन दो मार्क के लिए आ सकता है या तो आपको एम में ये वाला रिलेशन पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन या तो आपको इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आ सकता है ठीक है या तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल कहना मुझे ये है अगर यहाँ पे आपने नॉट लगाया तो आप यहाँ पे भी नॉट लगाएंगे अगर यहाँ पे नॉट नहीं है तो यहाँ पे भी नॉट नहीं आएगा ले लो इसका स्क्रीनशॉट। शॉट चलिए अब हम लोगों ने इनका रिलेशन तो देख लिया लेकिन अब हम लोग इनको प्रॉपर्टी वाइज भी एक बार देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी वाइज जो चीज होती है वो ये है है कि ये है आपका डेल्टा जी और डेल्टा जी इसी का मतलब ये है आपकी गिब्स एनर्जी, ठीक है ये है आपका ई इसी का मतलब ये हुआ आपका ई एम एफ ऑफ सेल ठीक है अब जो भी आपका गिब्स फ्री एनर्जी है वो है आपकी एक एक्सटेंसिव एक एक प्रॉपर्टी गीप्स फ्री एनर्जी जो होती है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है लेकिन जो भी आपका एम एफ ऑफ सेल है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में बताया था इस वाले क्लास में नहीं थर्मोडाइनमिक्स के क्लासेस में बताया था कि दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है किसी भी सिस्टम के लिए एक होती है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होती है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो गिप्स फ्री एनर्जी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ई एम एर द सेल आपकी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है अब काम की बात जो है वो ये है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि वो जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास को वो डिपेंड करती है मास के ऊपर में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है थर्मो में भी समझा के दिया था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द मास लेकिन जो भी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है याद करो मैंने आपको वहां पे एक ट्रिक बताया था कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है मास के जो भी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना जो भी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है इस इंडिपेंडेंट ऑफ मास क्योंकि इंडिपेंडेंट के भी स्पेलिंग में आई आता है और इंटेंसिव के भी स्पेलिंग में आई आता है याद करो मैंने उस वक्त भी ये वाली चीज़ आपको समझाई थी तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास तो ज़रा सोचो दिमाग लगाओ और सोचो और फिर मुझे बताना सबसे पहली चीज़ तो ये है ये जो प्रॉपर्टी है गिप्स फ्री एनर्जी ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है मतलब ये मास के ऊपर में डिपेंड करती है तो अगर इसका मास बढ़ेगा तो गिप्स फ्री एनर्जी का वैल्यू भी बढ़ेगा क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास को मतलब कहना मुझे ये है कि इफ़ मास डबल्स अगर आपका मास डबल होगा देन गिप्स फ्री एनर्जी आल्सो डबल्स गिप्स फ्री एनर्जी आल्सो डबल्स अगर मास डबल होगा तो गिप्स फ्री एनर्जी का वैल्यू भी तो डबल होगा ना क्योंकि वो मास को कैसे है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट अगर मैं बात करूँ ई की तो ई जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है इंटेंसिव की भी स्पेलिंग में आई आता है मतलब ही वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है इंडिपेंडेंट ऑफ मास इंटेंसिव प्रॉपर्टी इसका मतलब ये हुआ कि इफ मास डबल्स अगर मास डबल हुआ टिबल हुआ देर इज़ नो चेंज इन ई एम एफ देर इज नो चेंज इन ई एम एफ मतलब आपका ई e सेल का वैल्यू सेल के पोटेंशियल का वैल्यू या तो फिर आपके ई का वैल्यू चेंज नहीं होगा मास को चाहे आप डबल करो ट्रिबल करो या चौबल करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो कैसा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी बट यहाँ पे अगर मास डबल किया तो गिप्स फ्री एनर्जी डबल हो जाएगी मास अगर ट्रिपल किया तो गिप्स फ्री एनर्जी ट्रिपल हो जाएगी क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ले लो स्क्रीनशॉट चलिए अब हम लोग देखेंगे जो भी आपका रिलेशन होता है गिप्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में और जो भी आपका रिलेशन होता है सेल पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में इस चीज़ को समझने से पहले एक बार एक में दिमाग में एक चीज क्लियर कर लो जो पार्ट अभी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है श्योरिटी के साथ लिख के देती हूँ यहाँ से क्वेश्चन आएगा पेपर में एम आएगा या तो न्यूमेरिकल आएगा लेकिन आएगा ज़रूर मैं आपको बता दूंगी कहाँ पे आएगा प्लीज ध्यान से देखो बहुत 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 ज्यादा काम का पार्ट है क्योंकि आपको आ तो जाएगा बट आप साइन में मिस्टेक करके आओगे और आपको एग्जामिनर वही पे ये कर देगा फंसा देगा आपको इसलिए मैं आपका वो साइन वाला पार्ट भी क्लियर करवा दूँ चलिए देखेंगे ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना उस पर्टिकुलर रिलेशन को तो नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन पहला रिलेशन जो आपको स्टडी करना है वो है गिब्स एनर्जी एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में आपको पहला रिलेशन स्टडी करना है चलिए देखेंगे इस पार्ट को यह पार्ट यह कहता है कि जो भी आपका डेल्टा जी नॉट होता है इसी का मतलब होता है माइनस टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि बुक में कहीं पे के दिया है और कहीं पे के इक्विलिब्रियम दिया है तो आपकी इच्छा आप यहाँ पे के भी लिख सकते हो के इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हो मीनिंग इसका सेम ही है सेकेंड थिंग जो है ये वाला रिलेशन आपको याद ही रखना पड़ेगा क्योंकि ये रिलेशन को अगर आप कंसेप्चुअली समझने गए तो काफ़ी टाइम लगेगा तो बस इस रिलेशन को आप लोग ध्यान में रखो कि डेल्टा जी नॉट का ही मतलब माइनस आर टी एलेन ऑफ के इक्विलिब्रियम होता है ठीक है आगे बढ़ेंगे आगे मेरा पार्ट ये कहता है कि जो भी डेल्टा जी नॉट है अगर ध्यान से देखा जाए तो ये तो आपका चेंज इन गिप्स एनर्जी है चेंज इन हैिप्स फ्री एनर्जी और गिप्स एनर्जी चेंज इन फ्री एनर्जी और एनर्जी और लेकिन अगर ध्यान से देखते हो तो आपने यहाँ पे ये जाना कि यहाँ पे आपको डेल्टा दिख रहा है इस डेल्टा का मतलब होता है चेंज जी का मतलब होता है गिप्स फ्री एनर्जी और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक ऊपर में सिम्बॉल पे दिख रहा है दिख रहा है ना तो ये जो आपका सिम्बॉल है नॉट का वो रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड स्टेट को तो वो आपको बता रहा है स्टैंडर्ड चेंज इन गिप्स क्योंकि वो स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड कंडीशन पर लिया गया है इसलिए वहां पे क्या आया है नॉट साथ ही साथ आप लोगों ने एक और रिलेशन देखा होगा यहाँ पे उससे पहले मैं बता देती हूँ जो भी के इक्विलिबियम है इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेलिबियम कॉन्स्टेंट के इक्विलिबियम का ही मतलब आपका इक्वेलिबियम कॉन्स्टेंट होगा साथ ही साथ यहाँ पे जो टी है बताइए टी मतलब टेम्परेचर ही होता है केमिस्ट्री में आपको याद ही रखना है कि टी फॉर टेम्परेचर कैपिटल टी साथ ही साथ आर जो रहेगा वो आपका गैस कॉन्स्टेंट का वैल्यू रहेगा आपने एक और रिलेशन पढ़ा था कि डेल्टा जी का नॉट का ही मतलब होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल तो ये आपका है फर्स्ट रिलेशन ये है आपका सेकेंड रिलेशन इस रिलेशन में आपको बस यही वाला पार्ट ध्यान में रखना है कि यहाँ पे डेल्टा जी नॉट लिया गया है इसलिए मैंने ई एम एफ के भी ऊपर में क्या लिया है नॉट और ये रिलेशन मैंने आपका अभी थोड़ी देर पहले ऑप्टेन किया था ठीक है तो इतना पार्ट हम लोगों ने देख लिया तो यहाँ पे आपको रिलेशन मिल गया कि गिब्स एनर्जी का चेंज क्या रहेगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन क्या रहेगा मिल गया ये रिलेशन चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को क्या कुछ देखने को मिल रहा है हाँ देखने को मिल रहा है पहली बात जो मेरे को देखने को मिली वो ये है एक अगर मैं कंपेयर करती हूँ कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू अगर मैंने इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को कंपेयर किया तो मुझे यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है तो जो भी चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है वो ये है कि यहाँ पे भी है डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के यहाँ पर भी है डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल अगर इनके लेफ्ट हैंड साइड है सेम तो इनके राइट हैंड साइड भी कैसे रहेंगे सेम देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड सेम है इसका मतलब इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड भी कैसे रहेंगे सेम तो चलिए देखेंगे यहाँ पे आएगा आपका माइनस आर टी एल एन ऑफ़ के इक्वलिब्रियम इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नाट सेल लिख सकते हैं इसको ऐसा आगे आपने ये जाना कि यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है तो ये माइनस और माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो गए चलिए बढ़ेंगे आगे अगर मैं बात करूँ आगे की तो आगे हम लोग इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना कि आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम अपॉन एन एफ इक्वल्स टू ई नॉट सेल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते है? मैंने कुछ भी नहीं किया है बस इस एन एफ को इसके नीचे में भेज दिया है इस एन एफ को इसके नीचे में भेज दिया तो ये एन एफ नीचे आ गया अब आपका वैल्यू क्या आया ई नॉट सेल इक्वल्स टू आर टी अपन एन एफ एल एन एफ के एक्म इसको अरेंज करके लिख देते हैं रीअरेंज कर लेते अच्छे से तो रीअरेंज करने के बाद मुझे यहाँ पे जो मिला वो ये है ई नॉट सेल इक्वल्स टू प्लस आर टी अपॉन एन एफ एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम बहुत 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 काम की चीज है ये वाली ठीक है पेपर में आपको एम सी क्यू आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्टली द रिलेशन बिटवीन ई एम एफ एंड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट तो आपका पहला ऑप्शन ये भी रह सकता है कुछ ऑप्शंस में आपको यहाँ माइनस दिया रहेगा कुछ में प्लस दिया रहेगा कुछ में कुछ अलग दिया रहेगा तो ये वाली चीज़ आ सकती है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में ठीक है यहाँ मैं लिख देती हूँ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन चलिए पढ़ेंगे आगे क्या हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप सबको पता है कि एल का ही मतलब होता है टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री इन टू लॉक की बेस टेन तो हम लोग इस एल के जगह पे ये वाला वैल्यू लिख सकते हैं लिख देंगे तो आपके ई नोट सेल का फॉर्मूला हो जाएगा टू पॉइंट थ्री ज़ीरो थ्री आर टी अपॉन एन एफ एल ऑफ़ लॉक की बेस टेन के इक्विलियम ये भी रिलेशन आपको मिल सकता है तो ये भी रिलेशन आपको मिल जाएगा ठीक है कुछ भी नहीं करना है बस इस एल के जगह पे 2.303 पॉइंट लॉक की बेस 10 रखना है तो मैंने वही लिखा है 2.303 पॉइंट लॉक की बेस 10 ये वाला भी रिलेशन आ सकता है पेपर में एक तो ये रिलेशन पूछा जाएगा या तो ये रिलेशन पूछा जाएगा पहले इतने पार्ट का स्क्रीन लो फिर आगे देखेंगे अगर आपको यही रिलेशन 25 डिग्री सेल्सियस पे पूछा जाए एट 25 डिग्री सेल्सियस तो 25 डिग्री सेल्सियस पे आप लोग कुछ भी नहीं करते हो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाले क्लासेस में भी बताया था कि अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो आपको ये आर का वैल्यू पता है 8.314 पॉइंट थ्री वन फोर फैराडे का भी वैल्यू पता है नाइन सिक्स फाइव डबल ज़ीरो कुलम्प्स टेम्परेचर भी पता चल गया है ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस मतलब टू नाइन्टी एट कैलविन तो आप इस इनोट सेल का वैल्यू ऐसा भी तो लिख सकते हो ना इनोट सेल इक्वल्स टू जीरो तो पॉइंट ज़ीरो फाइव नाइन टू इन टू अपॉन एन इंटू लॉक की बेस टेन के इक्विल ये भी रिलेशन आपको आ सकता है तो अगर आपको पूछा जाए एम में तो एम में आपको ध्यान से पढ़ना है कि ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस पर पूछा गया है नहीं अगर ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस पर पूछा गया है तो आप ये वाला रिलेशन को करेक्ट टिक मार्क करोगे इन दोनों को टिक मार्क नहीं करोगे क्योंकि ये रिलेशन ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पर है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस नहीं दिया है तो आपको इन दोनों में से जो भी एक्यूरेट रीज़न वहाँ पर रहेगा एम में अगर ऑप्शन ये रहता है ज़्यादा करके वाला आएगा तो आपको इस पर टिकमा करना है ठीक है अगर आपको यहाँ से न्यूमेरिकल आ गया जैसे कि मैं अभी आपका न्यूमेरिकल कराने वाली हूँ तो आपको इन तीनों में से कोई भी रिलेशन को यूज कर सकते हो सिर्फ देखना है टेम्परेचर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है चाहे ई का हो या आपको इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट वाले हो या गिप्स फ्री एनर्जी वाले हो तो सबसे पहला काम तो चेक करोगे टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है तो हमेशा वहाँ पे 0.0592 ही वैल्यू आता है ठीक है अगर ट्वेंटी फाइव नहीं है तो नॉर्मल वाले रिलेशन को यूज कर सकते हो ये तीनों रिलेशन इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू क्यू में एक ऑप्शन माइनस के साथ भी आएगा एक प्लस के साथ भी आएगा एमसीक्यू क्यू में अभी नहीं आया तो अगले साल तो आएगा ही आएगा दो तीन साल में आ सकता है करके रखो ले लो स्क्रीन शॉट चलिए अब हम लोग मूव करेंगे आगे चलिए देखेंगे न्यूमेरिकल को तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम 5.12 जो कि दिया है आपके गिवन है आपके पेज नंबर 108 पे तो चलिए डिस्कस करते हैं लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम नंबर 5.12 देखते हैं जो कि दिया है पेज नंबर 108 पर आपको कहा गया है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज एंड एंडलीस्टेंट आपको यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है बिल्कुल न्यूमेरिकल को ऐसे ही लिखना है आपको इसी फैशन में कैलकुलेट जो करना है आपको वो कैलकुलेट करना है गिप्स फ्री एनर्जी का चेंज ठीक है लेकिन ध्यान दो वहां पे आपको क्वेश्चन में स्टैंडर्ड गिप्स एनर्जी का चेंज पूछा गया है स्टैंडर्ड इसका मतलब ऊपर में क्या आने वाला है नॉट क्योंकि स्टैंडर्ड बोला गया है ठीक है याद रखना है ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड नहीं दिया है आपने पढ़ाई नहीं याद रखना है सिंबल क्यों आपको लिखना है साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है वो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कैलकुलेट करना है आपको क्वेश्चन में एक रिएक्शन दे रखी है plus sn plus 2, ये आपको दे रहा है सी डी प्लस टू प्लस सी डी प्लस एस एन ये रिलेशन मतलब ये रिएक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन है ठीक है साथ ही साथ आपको और कौन सा कौन सा डेटा गिवन है वो भी एक बार देख लेते हैं हम लोग आपको जो और डेटा गिवन है वो है आपको इनऑर्ट ऑफ कैडमियम का वैल्यू दे रखा है और वो वैल्यू है माइनस जीरो पॉइंट फोर जीरो थ्री वोल्ट ठीक है साथ ही साथ आपको इनऑर्ट ऑफ एसन का भी वैल्यू दे रखा है और ये वैल्यू आपको दे रखा है माइनस जीरो पॉइंट वन थ्री सिक्स वोल्ट कभी भी आप किसी भी चीज को लिखेंगे तो आपको हमेशा ये वाली चीज चेक कर लेनी है कि आपने जो डेटा लिखा है वो करेक्ट है या नहीं है तो आपको कैडमियम का वैल्यू दे रखा था इतना टिन का वैल्यू दे रखा है उतना साथ ही साथ आपको इस रिएक्शन में टेम्परेचर दे रखा है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस देखो अगर टेम्परेचर ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस दे रखा है ना तो उसमें आपकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो गई क्योंकि आपको याद आ जाना चाहिए कि 25 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर आ जाए तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे वो वहीं पे क्लिक होनी चाहिए अगर आपको वो चीज़ नहीं पता कोई भी रिलेशन को यूज करेंगे तो कोई मतलब नहीं है कैलकुलेशन बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा फिर ठीक है चलिए बढ़ेंगे आगे तो आगे की जो चीज़ है वो आपकी ये है कि आपको साथ ही साथ यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है वो है सेल का फॉर्मूलेशन कि आपके सेल को आप किस तरीके से फॉर्मूले से रिप्रेजेंटेशन करवाऊंगी तो चलिए देखेंगे ये न्यूमेरिकल को अच्छा न्यूमेरिकल है काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है पेपर में आ भी सकता है देखेंगे ये है आपके सेल का रिएक्शन सेल रिएक्शन आपको क्वेश्चन में दे रखिए ठीक है बढ़ेंगे आगे अगर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ तो आगे सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पे जानी वो ये है कि सबसे पहले मैं सेल का फॉर्मूलेशन लिखूँगी सेल फॉर्मूलेशन अगर मैं बात करती हूँ सेल के रिप्रेजेंटेशन की तो सेल का रिप्रेजेंटेशन मेरा कुछ इस फॉर्म में होता है जैसे कि अगर मैंने आपको बताया था ए a ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे रहेगा आपका बी ऑफ फाई प्लस और बी ये वाला सेल का रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में बहुत बेस्ट तरीके से समझा के दिया था बस इसी चीज को हमें यहाँ पे लिखना है ठीक है देखो अगर आपको इस सेल रिप्रेजेंटेशन से ये वाले सेल का रिप्रेजेंटेशन निकालना है तो आपको अपना थोड़ा सा इसका यूज करना पड़ेगा ठीक है देखो अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड में है कोई एलिमेंट और राइट हैंड साइड में है कोई आयन ठीक है ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये है आपका राइट हैंड साइड ठीक है ये भी है आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये भी है आपका राइट हैंड साइड बढ़ेंगे आगे लेफ्ट हैंड साइड में आपका यहाँ पे एलिमेंट आ रहा है तो इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आपका एलिमेंट कौन सा आ रहा है सी डी ठीक है सिग्नल लाइन फिर आपका राइट हैंड साइड में आ रहा है आयन तो इस एलिमेंट का आयन कौन सा है सी डी टू प्लस जो कि राइट हैंड साइड में समझ में आया लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ का लेफ्ट हैंड साइड का लिखना है सी डी जिसके ऊपर में कोई भी चार्ज नहीं है इसके राइट हैंड साइड में क्या है आयन तो मैंने ये वाला आयन यहाँ पे लिख दिया सेंटर में है आपकी दो लाइंस चलिए बढ़ेंगे आगे यहाँ पे है आपका लेफ्ट हैंड साइड में मतलब आपको एरो के लेफ्ट हैंड साइड में चेक करना है लेफ्ट हैंड साइड में आपको आयन चाहिए मतलब ये है तो एस एन टू प्लस साथ ही साथ सिंगल लाइन लगाएंगे ये है आपका राइट हैंड साइड यहाँ पे है कोई भी एक, एक एलिमेंट तो वो आ रहा है आपका टीन रखने का तरीका बस इतना है कभी भी अगर आपको सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है तो आप लोग सबसे पहले तो सेल को इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे सेल को इस तरीके से अगर यहाँ पे लिख दिया तो उसके नीचे में बस मेंशन कर दो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बिल्कुल इसको ऐसे देखना है लेफ्ट राइट इसको भी ऐसे देखेंगे लेफ्ट राइट समझ गया अब यहाँ पे देखने का ही है? तो लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट कौन सा है कैडमियम ठीक है राइट हैंड साइड में आयन कौन सा है सी फिर यहाँ पे आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में आयन कौन सा है एस एन टू प्लस राइट हैंड साइड में आयन कौन सा है एस एन ये हुआ आपका लेफ्ट हैंड साइड ये हुआ आपका राइट हैंड साइड अच्छा तरीका याद बता रही होगी आप लोग रट्टा मारोगे और अगर बुक में कोई और ही रिएक्शन आ गई तो पेपर में क्या करोगे इसलिए याद रखना है एरो का लेफ्ट हैंड साइड ये हुआ एरो का राइट हैंड साइड ये हुआ जब यहाँ पे लेफ्ट बोला गया है एलिमेंट लिखा गया है तो आपको लेफ्ट में से एलिमेंट को लिखना है जब यहाँ पे राइट right बोला गया है आयन बोला गया है तो आपको राइट right में से आयन को लिखना है जब यहाँ पे लेफ्ट बोला गया है आयन बोला गया है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड से आयन को लिखना है जब यहाँ पे राइट right बोला गया है एलिमेंट बोला गया है तो राइट हैंड साइड से एलिमेंट को लिखना है समझ गया पहले इतने पार्ट का स्क्रीन शॉट क्योंकि मैं इस पार्ट को अभी इरेज करूंगी मुझे चाहिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे आगे मैं इस पार्ट को इरेज कर देती हूँ क्योंकि मुझे इसका है काम अभी इस पेस का ठीक है तो आगे मैंने यहाँ पे जो जाना वो ये है कि अब मुझे जो कैलकुलेट करना है मुझे कैलकुलेशन करना है डेल्टा जी का डेल्टा जी नॉट का वैल्यू आपका होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल क्योंकि जैसे कि अगर आप लोग देखते हो तो आपको सेल फार्मुलेशन बताना था तो सेल फॉर्मुलेशन हम लोगों ने कर लिया साथ ही साथ आपको यहाँ पे डेल्टा जी नॉट और के इक्विलिब्रियम का वैल्यू भी बताना था तो डेल्टा जी नॉट को पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं बट अगर ध्यान से देखा जाए तो दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि चलिए मुझे डेल्टा जी नॉट तो निकालना है मुझे एन का वैल्यू भी पता है का वैल्यू भी पता है बट इस नॉट के वैल्यू का क्या ये तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है मुझे तो यहां पे ई नॉट ऑफ सेल चाहिए और मुझे तो दो दो ई नॉट डेर के रखे है तो मैं ये ए नॉट यूज करूं या ये ए नॉट यूज करूं दिमाग में तो क्वेश्चन आया होगा ना तो अब समझो क्या करने का है ऐसा नहीं कि आपको रट्टा मारना है कि पहले ये स्टेप होती है फिर ये स्टेप फिर ये स्टेप रट्टा मत मारो देखो इसको निकालने के लिए ये निकालना जरूरी है बट ये क्वेश्चन में दिया नहीं है मतलब सबसे पहले आप इसको निकालेंगे चलिए देखेंगे तो ये हुआ आपका सेकेंड पार्ट क्योंकि उससे पहले तो आपको ये निकालना है ना तो फर्स्ट पार्ट है आपका इनॉट e सेल का कैलकुलेशन तो जो भी आपका इनॉट e सेल होता है उसी का मतलब होता है ई नॉट ऑफ राइट हैंड साइड माइनस इनॉट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड जैसे कि मैंने आपको बताया था आपको याद रखना है कि E आउट ऑफ राइट हैंड साइड पहले लिखा जाता है माइनस इनआउट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड लास्ट वाले क्लास में भी बताया था राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड चलिए देखेंगे राइट हैंड साइड पे आपका कौन आ रहा है एस एन राइट हैंड साइड पे आपका आ रहा है एस एन और लेफ्ट हैंड साइड पे आपका कौन आ रहा है सी डी तो राइट हैंड साइड पर एस एन आ रहा है इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इन आउट ऑफ एस एन और लेफ्ट हैंड साइड में कौन आ रहा है सी डी ठीक है करेंगे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट आपको एस एन का वैल्यू दे रखा है माइनस जीरो पॉइंट वन थ्री सिक्स माइनस ऑफ माइनस यहाँ पे इसका वैल्यू है जीरो पॉइंट फोर जीरो थ्री ठीक है माइनस जीरो पॉइंट वन थ्री सिक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस जीरो पॉइंट फोर जीरो थ्री इसका वैल्यू आपका आता है जीरो पॉइंट टू सिक्स सेवन वोल्ट तो इस तरीके से मैंने नॉट का वैल्यू निकाल लिया दिमाग में इतना ही फिट कर लो कोई भी सेल रिएक्शन दे रखिए सबसे पहले सेल का फॉर्मुलेशन करवा लो सेल का फार्मुलेशन करने का तरीका आपको बता दिया था मैंने सेल फॉर्मुलेट हो गया ई नॉट सेल निकालना है राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर टीन है इसलिए टीन लिखा ऐसेन लेफ्ट हैंड साइड पर सी डी है इसलिए सी डी लिखा और कैलकुलेशन को कर लिया अब मुझे डेल्टा जी निकालना है अब मैं निकाल सकती हूँ क्योंकि मेरे पास ई नॉट सेल का वैल्यू है चलिए देखेंगे इसके कैलकुलेशन को एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वॉल्ड तो जैसे कि आपने यहाँ पे ये यह देखा कि यहाँ पे आपका जो चार्ज है वो है प्लस टू है ना इसी का मतलब यहाँ पे आपके जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इसी का मतलब आपका एन का वैल्यू कितना रहेगा टू जितने चार्ज रहते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन रहता है तो यहाँ पे रहेगा टू इंटू आपके एफ का वैल्यू होता है नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो ये वैल्यू आपको याद रखना है हा? पेपर में नहीं दिया जाता है साथ ही साथ आपके ई नोट सेल का वैल्यू है जीरो पॉइंट टू सिक्स सेवन तो इस तरीके से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो देखो ये कैलकुलेशंस मैंने साइड में करके रखे हैं आपको भी कैलकुलेशंस को करना है और टैली करना है कि आपका भी इतना आंसर आता है या नहीं आता है ठीक है ले लो स्क्रीन शॉट इतने पार्ट का चलिए डेल्टा जी नॉट का तो वैल्यू निकल गया तो हम लोगों ने ये वाला भी कैलकुलेशन कर लिया है ठीक है याद रखना है कि पेपर में आपको जरूरी नहीं कि, कि किलो जूल में लिखना है आंसर जूल में आता है आप जूल में लिखो बढ़ेंगे आगे आगे का कैलकुलेशन मेरा यहाँ पे जो कहता है वो ये है कि मुझे यहाँ पे जो रिलेशन यूज करना है वो रिलेशन होता है ई नॉट सेल इक्वल्स टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन टू अपॉन एन लॉक की बेस टेन के इक्विलिब्रियम देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक रिलेशन बताया था कि अगर आपको कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है और अगर आपको 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे देखो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है तो आप हमेशा ये वाले फॉर्मूले को ही यूज़ करेंगे ठीक है साथ ही साथ आपको यहाँ पे अब निकालना है के इक्विलिब्रियम इसका मतलब मुझे इस इक्वेशन को K के इक्विलिब्रियम के टर्म्स में अरेंज करना है ना तो कर देंगे इसको के इक्वलीबियम के टर्म्स में अरेंज तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा या नहीं आप लोग चेक करिए और मुझे बताइए लॉग ऑफ के इक्वलीबियम इक्वल्स टू एन इन टू इ नॉट सेल अपॉन जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन टू कुछ भी नहीं करना है इस एन को मैं ऊपर लेके चले गई इस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन टू को मैं नीचे लेके आ गई और इसके साथ मैंने इसको इक्वेट कर दिया ठीक है चलिए आपके यहाँ पे एन का वैल्यू जो आपको दे रखा है वो है टू E नॉट सेल का वैल्यू कितना आया है जीरो पॉइंट टू सिक्स सेवन अपॉन जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन टू इसका वैल्यू आपका आएगा नाइन पॉइंट जीरो के टर्म्स में ठीक है तो अगर आपको अब के इक्विलिब्रियम निकालना है लॉग के का वैल्यू है नाइन पॉइंट जीरो तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा जब लॉग इधर से इधर जाता है तो वो एंटी लॉग बन जाता है तो इसका वैल्यू आपका आएगा एंटी लॉग ऑफ नाइन तो इसका वैल्यू आएगा 1.05 पॉइंट जीरो फाइव इंटू टेन की पावर प्लस नाइन याद इस चीज का यहाँ पे ये रखना है कि आपको लॉक टेबल की हेल्प से इसका एंटी लॉग निकालना है दिमाग में एक चीज फिट कर लो लॉक के का वैल्यू नाइन है जब लॉग इधर से इधर जाएगा तो आपका वो एंटी लॉग बन जाएगा आपको एंटी लॉग लेना है लॉक टेबल की हेल्प से दूसरी काम की बात जो है वो ये है क्वेश्चन में आपको के इक्विलिब्रियम पूछा गया है ठीक है इसीलिए आपको के इक्विलिब्रियम का ही वैल्यू निकालना है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था काफ़ी बड़ा था पेपर में पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा कुछ इसका पार्ट आएगा एक तो ये कैलकुलेशन आएगा या तो ये वाला आएगा ठीक है सबसे पहली चीज़ रिएक्शन को देखेंगे सेल के फॉर्मुलेशन को लिखेंगे राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड करेंगे ई नॉट सेल का वैल्यू निकालेंगे ई नॉट सेल के वैल्यू की हेल्प से डेल्टा जी नॉट का वैल्यू निकल जाएगा एफ का वैल्यू नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो याद रखना है साथ ही साथ इन सेल के लिए ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे और लॉग के का वैल्यू और फिर के इक्वेलिम का वैल्यू निकाल लेंगे स्क्रीन शॉट ले लो काफी अच्छा क्वेश्चन है चलिए अब हम लोग मूव करेंगे आगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरफ तो नेक्स्ट रेफरेंस इलेक्ट्रोड देखते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड को कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता क्या है सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसका पोटेंशियल आप मान के चलते हो ज़ीरो है ठीक है याद रखना है इस चीज़ को कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब ही होता है एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसको आपने रेफरेंस मान के चला है इसको मैं एक बार इसका डेफिनेशन लिख लेती हूँ फिर हम लोग समझ लेते हैं इस चीज़ को तो इलेक्ट्रोड द इलेक्ट्रोड हुज पोटेंशियल दिस का पोटेंशियल इज आर्बिट्रिल टेकन एज जीरो इज कॉल्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड बस दिमाग में इतना फिट कर लो कि ये जो इलेक्ट्रोड है एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसके ई एम एफ का वैल्यू आप लोगों ने ज़ीरो मान के चला है एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसके ई एम एफ का वैल्यू आप लोगों ने ज़ीरो कंसिडर किया है ऐसे इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कहते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड बट आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आया ही होगा ना यार ये वैल्यू जो है वो तो मैंने ज़ीरो मान के चला है तो रेफरेंस वर्ड क्यों आया है इस इलेक्ट्रोड के सामने है ना क्योंकि इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मैंने जीरो मान के चला है बट रेफरेंस क्यों आया रेफरेंस कैसे आया तो चलिए देखेंगे यहाँ पे आपका रेफरेंस वर्ड क्यों आया सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इस इलेक्ट्रोड की हेल्प से आप बहुत सारे अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोड का कैलकुलेशन कर सकते हो जैसे कि अगर आपका एक है रेफरेंस इलेक्ट्रोड और ये है आपका सेकेंड कोई अलग इलेक्ट्रोड सेकेंड इलेक्ट्रोड ठीक है ये है आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड ये है आपका सेकेंड इलेक्ट्रोड अगर मुझे इस सेकेंड इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है इस सेकेंड इलेक्ट्रोड का अगर मुझे ई निकालना है तो देखो कैसे होगा इंपॉर्टेंट थिंग जो है रेफरेंस को मैंने जीरो मान के चला है रेफरेंस इलेक्ट्रोड मेरा जीरो है अब मुझे इसका निकालना है तो खुद ही बताओ जब एक है ज़ीरो तो दूसरे का वैल्यू मैं आराम से निकाल सकती हूँ निकाल सकती हूँ कि नहीं निकाल सकती हो निकाल सकती हूँ क्योंकि इसको तो मैंने जीरो मान लिया है ना तो इसका वैल्यू मैं आराम से निकाल सकती हूँ इसका मतलब यह हुआ कि इस इलेक्ट्रोड की हेल्प से इस इलेक्ट्रोड के रेफरेंस को लेकर मैं बाकी और कोई भी इलेक्ट्रोड के लिए सेल पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ सोचने की बात है यार ये सारी चीजें हम लोगों को बुक से मिली है और बुक में क्या डायरेक्टली आंसर आया है नहीं आसमान से थोड़ी आए है हम लोगों ने उसको डिराइव किया है तो काम की बात यह है कि अगर मेरे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड हो जाए तो उस इलेक्ट्रोड के रेफरेंस को लेकर मैं बाकी सारे इलेक्ट्रोड का ये एम का वैल्यू का कैलकुलेशन कर सकती हूं इसलिए ऐसे इलेक्ट्रोड को मैंने क्या कहा है रेफरेंस इलेक्ट्रोड ठीक है चलिए बढ़ेंगे आगे अब जो भी आपके रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ना इसके एक्चुअली दो टाइप्स होते हैं एक जो टाइप होता है इसका वो होता है प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो पहला है, है है तो जो टाइप है वो है आपका प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड और जो भी आपका सेकेंड टाइप है वो तो है आपका, रे तो आपका सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड तो, तो पहला टाइप है आपका प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड और सेकेंड टाइप है आपका सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड ठीक है देखेंगे आगे काम की बात जो है यहाँ पे ये है कि प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका जो भी आपका ई e. का वैल्यू है मतलब जो भी आपके सेल पोटेंशियल का वैल्यू है उसको आपने जीरो मान के चला है जीरो सेल पोटेंशियल का वैल्यू अगर आप लोग जीरो मान के चलते हो इसी का मतलब आपने इसको रेफरेंस लेके चला है तो ये हुआ आपका प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड ठीक है इस इलेक्ट्रोड के आपके एग्जाम्पल होते हैं एस एच ई मतलब सी मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसका एग्जाम्पल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसका मतलब यह है कि ऐसे केस में जो भी आपके ई एम एफ का वैल्यू रहेगा या तो आपके ई नॉट सेल का वैल्यू रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा जीरो रहेगा क्योंकि आपने इसके ई एम एफ का पोटेंशियल सेल का पोटेंशियल का वैल्यू जीरो के चलाए चलिए देखेंगे सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड को अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि भाई प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड तो मुझे समझ गया बट सेकेंडरी कहा से आ गया तो याद रखो प्राइमरी नाम है इसलिए इसका वैल्यू कैसा है जीरो अब इसका वैल्यू है सेकेंडरी मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होने वाला है ना तो काम की बात यह है कि जो भी यहाँ पे आपका ई है इसी का मतलब जो भी यहाँ पे आपके सेल का पोटेंशियल है आपने इसको एक नॉन वैल्यू लेके चला है नॉन वैल्यू मतलब ये जो है ये भी एक ऐसा इलेक्ट्रोड है या ये भी आपका एक ऐसा सेल का पोटेंशियल है जिसमें आपका जो वैल्यू है वो कैसा है नॉन उसका वैल्यू जो है वो फिक्स है फिक्स और मैं कह सकती हूँ नॉन वैल्यू तो मुझे एक बात बताइए अगर मैंने दो सेल लिए हैं अगर एक सेल का वैल्यू फिक्स हो जाए तो मैं दूसरे सेल का निकाल सकती हूँ है ना देखेंगे देखेंगे यहाँ पे सपोज अगर मैं यहाँ पे दो सेल ले लूँ यह है आपका एक सेल और यह है आपका बी सेल ठीक है अगर इसका वैल्यू जीरो हो जाए तो इसका वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ क्योंकि इसका जीरो है तो ऐसे केस में यह आपका क्या हो गया प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड अब बढ़ेंगे आगे काम की बात यह है अगर इसका वैल्यू फिक्स हो जाए तब भी मैं इसका वैल्यू निकाल सकती हूँ इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पे आपका क्या हुआ सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्योंकि इसका वैल्यू कैसा है फिक्स इसका मतलब मैंने यहाँ पे ओवरऑल क्या जाना ओवरऑल मैंने यहाँ पे यह जाना कि अगर ये वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो इसकी रेफरेंस की हेल्प से इसको निकाला जा सकता है तब इसको कहेंगे प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड अगर इसका वैल्यू फिक्स हो जाए तब इसकी रेफरेंस की हेल्प से इसको निकाला जा सकता है तब इसको बोलेंगे सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड तो आपके सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के एग्जाम्पल जो होते हैं वो होता है कैलोमल इलेक्ट्रोड साथ ही साथ सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड ये हुए आपके सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड याद रखना है यहां से भी पेपर में एमसीक्यू आ सकता है फिर द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड आर मैंने बता दिया है याद रखना है स्क्रीन ले लो चलिए अब हम लोगों ने रेफरेंस इलेक्ट्रोड को तो स्टडी कर लिया अब हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को जिसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चलिए देखेंगे तो आपको सबसे पहले तो चीज याद रखनी है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन पूछा जा सका है मतलब ये आपको पूछा गया है कि सेल का रिएक्शन कैसे रहेगा सेल का फॉर्मूलेशन कैसे रहेगा इलेक्ट्रोड क्या रहेगा इलेक्ट्रोलाइट और सेल का रिप्रेजेंटेशन ये सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर में आई हैं तो आने के चांसेस रहते हैं पेपर में इसलिए आपको इस पार्ट को छोड़ना नहीं है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हर एक सेल को आपको बहुत सिस्टमेटिकली करना है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आता है जनरली ठीक है अब आपको क्या क्या बताना होता है किसी भी सेल के अंदर में तो सबसे पहली चीज़ जो आप हमेशा बताएंगे वो रहेगा आपका कंस्ट्रक्शन आपको बताना पड़ेगा कि आपको सेल को कंस्ट्रक्ट कैसे क्या करने का है कंस्ट्रक्शन बताने के बाद में आप लोग जो नेक्स्ट चीज बताते हो वो रहती है आपकी सेल का रिप्रेजेंटेशन मतलब ही आपका जो सेल रहेगा उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा यानी कि मैं कह सकती हूं कि सेल का नोटेशन कैसा रहेगा वो आपको बताना पड़ेगा ठीक है तीसरी थिंग जो आप बताएंगे वो रहेगा आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको देना पड़ेगा कि आपका जो सेल है वो डिजाइन होने के बाद में कैसा दिखता है तो पहली चीज आप बताएंगे इसका कंस्ट्रक्शन कि इलेक्ट्रोड क्या है इलेक्ट्रोलाइट क्या है सेकेंड चीज़ आप बताएंगे इसका रिप्रेजेंटेशन जो थर्ड थिंग आपकी रहेगी इस रिप्रेजेंटेशन के बाद वो रहेगी आपकी सेल की रिएक्शन आपको सेल के रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है इतना पार्ट मेरे ख्याल से तो इनफ है तो किसी भी सेल को अगर एक्सप्लेन करना है तो फॉर्मेट ऐसा ही होना चाहिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आप इस फॉर्मेट का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो चलिए कोई भी सेल को ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रोड क्या है इलेक्ट्रोलाइट क्या है फिर उसका रिप्रेजेंटेशन मतलब उसका नोटेशन कैसा रहेगा डायग्रामेटिकली वो कैसा दिखेगा और सेल का रिएक्शन कैसे रहेगा तो चलिए देखेंगे आपका जो कंस्ट्रक्शन है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि मैं आपको डायग्रामेटिक की हेल्प से समझाऊंगी इस चीज को कि एक्चुअली कैसा हो रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे ना हम लोग सबसे पहले एक ग्लास ट्यूब को कंसिडर करेंगे ये है आपका कोई पर्टिकुलर ग्लास ट्यूब तो इस ग्लास ट्यूब को मैं कुछ इस तरीके से कंसिडर कर रही हूँ और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है प्लेटिनम के प्लेट से तो ये रही आपकी प्लेटिनम की प्लेट यहाँ पे आपका कुछ पार्ट है ठीक है चलिए देखेंगे इस चीज को सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है देखते चलना है बिल्कुल ये है आपका प्लेटिनम का प्लेट हम लोगों को सबसे पहले इसके केस में प्लेटिनम के प्लेट को लेने की है प्लेटिनम के प्लेट के ऊपर में हम लोग प्लेटिनम ब्लैक से कुछ कोटिंग कर देते हैं तो ये रही आपकी प्लाटिनम प्लेट जिसके ऊपर में मैंने प्लाटिनम ब्लैक से कुछ कोटिंग कर दी है तो ये हुआ आपका प्लेटिनम ब्लैक अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि चलो प्लेटिनम प्लेट मुझे लेना है मुझे समझ में आ गया बट उसके ऊपर में मुझे जो पहने डॉट डाले है मतलब ये आपका जो प्लाटिनम ब्लैक की कोटिंग की है वो किस लिए की है तो इससे क्या होता है ना कि जब मैं प्लेटिनम के ऊपर में प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग कर देती हूँ तो मेरा सरफेस एरिया बढ़ जाता है रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाता है ठीक है क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाता है तो इसलिए मैं यहाँ पे प्लेटिनम ब्लैक को कनेक्ट कर देती हूँ साथ ही साथ जो ये ब्लू कलर का है ये है आपका मर्क्यूरी यहाँ पे मैंने मर्क्यूरी को लिया है क्योंकि ये सेल का पार्ट है चलिए बढ़ेंगे आगे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि ये वाला जो वायर है ये कौन सा वायर है तो ये होता है आपके कॉपर का वायर आप लोगों ने देखा होगा कि घर के केबल वगैरह में आपके कॉपर के वायर होते हैं यहाँ पे जो छोटा वाला वायर है ये छोटा वाला वायर है आपका प्लेटिनम का वायर ठीक है तो बस इतना पार्ट याद रखो कि यह है आपका एक ग्लास का ट्यूब ठीक है साथ ही साथ यहां पे मैंने मर्क्यूरी को लिया है इसको कनेक्ट किया है प्लैटिनम ब्लैक से अब सोचने की बात है जब प्लैटिनम मेटल लिया है प्लैटिनम का मेटल का प्लेट लिया है तो यहाँ पे जो वायर रहेगा वो भी कौन सा रहेगा प्लाट, प्लाटिनम का ऊपर में इतना बड़ा मैंने कॉपर का वायर इसे दिया है क्योंकि अगर मैंने सच में के वायर को लेने लग तो फिर वो कितना महंगा हो जाएगा सेल ठीक है सोचने की बात है ना प्लेटिनम इज वेरी कॉस्टली मेटल अब अगर हम लोग देखते हैं आगे तो आगे आपका कुछ ये वाला सेल कुछ इस तरीके से रहेगा ये रहेगा आपका सेल और साथ ही साथ यहाँ से आप लोग देंगे कुछ ना कुछ एक आउटलेट इस सेल के अंदर में आपको कुछ देने का है काम की बात जो है वो यहाँ पे ये है काम की बात जो है वो यहाँ पे ये है कि सोचने की बात है कि जब इसका नाम ही है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब यहाँ से जो गैस आने वाली है वो कौन सी गैस रहेगी हाइड्रोजन गैस क्योंकि इलेक्ट्रोड का नाम ही है हाइड्रोजन तो यहाँ पे आपकी जो भी गैस अंदर आएगी वो रहेगी आपकी हाइड्रोजन गैस वो गैस यहाँ से अंदर आएगी और कुछ इस तरीके से वो गैस आपको यहाँ पे दिखेगी ठीक है ये हुआ आपका सेल और इसके अंदर में यहाँ पे जो भी आपके आयन्स रहेंगे वो आयन्स रहेंगे आपके H प्लस आयन में तो दिमाग में इतनी चीज फिट कर लो कि कोई भी सेल को अगर मुझे बनाना है तो मुझे हमेशा दो चीजें चाहिए होती है पहली चीज रहती है इलेक्ट्रोड और सेकेंड चीज रहती है आपकी इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड मतलब ही हुआ आपका प्लेटिनम का प्लेट जिसमें मैंने कोटिंग करवाई है प्लेटिनम की इलेक्ट्रोलाइट मतलब ही जो भी आपका सोल्यूशन रहता है तो सोल्यूशन कौन सा रहेगा H प्लस आयन सोचने की बात है इसका नाम ही है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब यहाँ पे सोल्यूशन H प्लस आयन के रहेंगे और साथ ही साथ जो गैस अंदर में आएंगी वो कौन सी गैस रहेगी हाइड्रोजन गैस ये तो हो गया सेल का कंस्ट्रक्शन अब इस सेल को आप किसी के भी अंडर में डाल सकते हो ये आपका रहेगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चलिए देखेंगे आगे कंस्ट्रक्शन में मैंने यहां पे जो जाना वो ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड मुझे लेना है प्लेटिनम प्लेट कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक तो मुझे प्लेटिनम प्लेट को लेना है जिसकी कोटिंग रहेगी प्लेटिनम ब्लैक से वो रहेगा मेरा इलेक्ट्रोड पेपर में जब लिखोगे तो खूब सारी थेरोटिकल इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी है इस तरीके से रिप्रेजेंट करो ताकि उनको सब चीज़ें क्लियरली समझ में आए और मार्क्स भी पूरे मिल जाए अगर मैं बात कर दी हूँ इलेक्ट्रोलाइट की मतलब आपका सोल्यूशन आपने किसका लिया है एच प्लस आयन का आपने यहाँ पे एच प्लस आयन का सोल्यूशन लिया है साथ ही साथ आपकी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी तो जा रही है ना तो ये हुई आपकी हाइड्रोजन गैस चलिए बढ़ेंगे आगे आगे मैंने यहाँ पे जो जाना वो ये है कि सेल का रिप्रेजेंटेशन और सेल का नोटेशन कैसा रहेगा तो आपको जैसे कि पता होना चाहिए कि आपको अगर सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखना है तो आप लोग कैसे लिखते हो आप लोग लिखते हो आयन फिर जो भी आपका इलेक्ट्रोड है वो और उसके बाद में ये वाली चीज मतलब यहाँ पे आपका वैल्यू कैसा रहेगा एच प्लस आयन हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका रहेगा प्लेटिनम ये रहेगा आपके सेल का रिप्रेजेंटेशन या तो फिर सेल का नोटेशन देखो कैसे ये है आपका एच प्लस आइन एच प्लस आइन तो मैंने इलेक्ट्रोलाइट को सबसे पहले लिख दिया ठीक है क्योंकि ये आपका एक रिडक्शन टाइप का सेल है जो सेल जिसके ऊपर में रिडक्शन होता है ठीक है इसलिए मैंने यहाँ पे रिएक्शन भी जो लिखूंगी वो भी रिडक्शन टाइप की रहेगी सेल का रिप्रेजेंटेशन भी रिडक्शन टाइप का रहेगा एज अ राइट हैंड साइड करके भी इलेक्ट्रोड इसको यूज़ किया जाता है तो ये रहेगा आपका एचप्लस आयन जो कि यहाँ पे है साथ ही साथ मैंने यहाँ पे कौन सी गैस ली है हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस का मैं यूज़ कहाँ पे करने वाली हूँ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर में इसलिए यहाँ पे आया है प्लैटिनम देखो समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है रट्टा मारने वाली चीज़ा चीज़ें इसमें थोड़ी ज़्यादा है समझने का कंसेप्ट उतना नहीं है लेकिन फिर भी मैं इसको कोशिश कर रही दूँ कि मैं आपको समझा सकूँ वैसे तो रट्टा मारने का ज़्यादा है ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया अब बढ़ेंगे आगे सेल रिएक्शन मेरा यहाँ पे ये कहता है कि जब मैं H+ आयन को लूँगी तो H प्लस आइन इलेक्ट्रॉन को लेंगे और ये आपके बनाएंगे हाइड्रोजन गैस को ठीक है ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन है आपकी रिडक्शन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन है ये आपकी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे यहाँ पे रिडक्शन करवाना है ये आपकी रिडक्शन टाइप का हाफ सेल है रिडक्शन रिएक्शन होगी इसलिए एचप्लस आइन इलेक्ट्रॉन को लेंगे और हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करेंगे रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है अब सोचने की बात है अगर यहाँ पे हाइड्रोजन दो है तो यहाँ पे एच प्लस भी दो रहेंगे और इलेक्ट्रॉन भी दो रहेगी तो ये हुए आपके रिडक्शन रिएक्शन बस इतना समझ लो कि प्लाटिनम लेने का है प्लाटिनम के प्लेट पे कोटिंग की है प्लाटिनम ब्लैक की जिससे रिएक्शन फास्ट हो जाए सरफेस एरिया बढ़ जाए साथ ही साथ इसको कनेक्ट किया है मर्क्यूरी से यहाँ पे आपका प्लाटिनम वायर है क्योंकि प्लेट भी प्लाटिनम है लेकिन ऊपर का वायर हम लोग प्लाटिनम वाला एफोर्ड नहीं कर सकते वो महंगा है इसलिए मैंने कॉपर वायर को ले लिया है दूसरी बात ये कि यहाँ से जो आउटलेट है आपके ग्लास जैकेट के अंदर में हाइड्रोजन गैस आएगी ये रहेगा आपका ग्लास जैकेट साथ ही साथ यहाँ पे मैंने एक्सप्रेस साइन को लिया है और जब यह गैस अंदर आएगी तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा फिर मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोड क्या है इलेक्ट्रोलाइट क्या है रिडक्शन टाइप का हाफ सेल है तो सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा और सेल का रिएक्शन क्या रहेगा अब क्या होता है ना डिफिकल्टीज बहुत सारी होती है इस टाइप के इलेक्ट्रोड को यूज करने की वो डिफिकल्टीज इतनी खतरनाक है कि इस टाइप के इलेक्ट्रोड को अभी हम लोग रिसेंटली यूज नहीं कर पा रहे अगर करेंगे तो हम लोगों को बहुत सारी चीजें जो है वो मेनटेन uh, करना पड़ेगा तो देखेंगे कौन सी कौन सी डिफिकल्टीज होती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ऑप्टेन करने के लिए चलिए ये तो हम लोगों ने देख लिया ऐसे को पेपर में आ सकता है ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन लिखना है थेरी पार्ट को बहुत सारा मत लिखोगे कुछ भी समझ में ना है सिस्टमेटिकली लिखो अब हम लोग देखेंगे डिफ़िकल्टीज़ कौन सी कौन सी होती है कि हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बहुत रेयरली यूज़ करते हैं या बहुत यूज़ कम करते हैं उसकी डिफ़िकल्टीज क्या है प्रॉब्लम्स क्या है इसकी इतना अच्छा इलेक्ट्रोड है ई एम एफ निकाल सकते हैं किसी और इलेक्ट्रोड का इसके रेफरेंस को लेके बट प्रॉब्लम क्या है तो चलिए देखेंगे उन प्रॉब्लम्स को पेपर में आता भी है कभी कभी पूछा जाता है तो चलिए देख लेते हैं तो नेक्स्ट हेडिंग है आपका डिफिकल्टीज़ इन सेटिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डिफिकल्टीज इन सेटिंग एस एच मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसमें कौन सी कौनसी डिफिकल्टीज है जिसको हम लोग फेस कर रहे हैं और हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बहुत रेयरली यूज करते हैं तो पहली जो डिफिकल्टी है आपकी वो ये है कि यहाँ पे आपको प्योर और ड्राई हाइड्रोजन गैस चाहिए प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस एक बार लिख लेती हूँ फिर समझते हैं साथ ही साथ आपको यहाँ पे वन मोलर एग्जैक्ट कंसेंट्रेशन चाहिए एचप्ल आयन का और तीसरी थिंग प्रेशर जो है वो आपको एक्जैक्टली वन एटमोस्फियर चाहिए समझ लेते हैं इस चीज को अगर मैं बात करूं देखो आपको रट्टा नहीं मानना है कुछ भी सीधी सीधी बात अगर आपको कभी भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को स्टडी करना है मतलब आपको दो चीजें चाहिए आपको इसमें चाहिए हाइड्रोजन गैस साथ ही साथ इसमें आपको एच प्लस आयन का सोल्यूशन चाहिए ठीक है अभी हम लोगों ने देखा कंस्ट्रक्शन को एच प्लस आयन के मतलब ही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैसे फॉर्म किया जाता है तो मैंने आपको बताया कि एक तो मुझे एच प्लस आयन लगते हैं और साथ ही साथ मुझे हाइड्रोजन गैस लगती है फिर आपको याद रखना है कि आपको जो यहाँ पे एच प्लस आयन चाहिए ना वो बिल्कुल वन मोलर ही चाहिए अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया वन मोलर की जगह वन या वन मोलर तो सेल का वो जो सेटिंग है वो बराबर नहीं रहेगा सेल जो है वो ऑपरेट तो होगा फिर मुझे एग्जैक्ट जीरो वैल्यू नहीं मिलेगा सेल पोटेंशियल का तो कंसंट्रेशन का वैल्यू जो है एक्सप्लेस आइन के वो एग्जैक्टली exactly वन ही चाहिए अब एग्जैक्टली वन मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट काम है क्योंकि वो चेंज हो सकता है ना वेरिएशन आ सकता है ना तो एग्जैक्ट कंसेंट्रेशन में एक्सप्ल आइन का वन मोलर को नहीं रख सकती हूँ दूसरी बात जो है मार्केट में आपको जो हाइड्रोजन गैस मिलती है वो प्योर नहीं रहती थोड़ी सी प्योर इम्प्योर तो रहती है अब देखो कोई भी चीज़ आप देखोगे तो दुनिया में कोई भी चीज़ प्योरली तो है नहीं थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज़ तो हर चीज़ों में है वो बात अलग है कि हम लोग मैनेज करके चल रहे तो हाइड्रोजन गैस वो बोल रहा है कि प्योर ही चाहिए ड्राई भी हाइड्रोजन गैस चाहिए तो वो उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ तो रहेगी इसलिए प्योर और ड्राई हाइड्रोजन गैस आपको लगती है वो भी पॉसिबल नहीं है साथ ही साथ जो है वो ये है कि आपको यहां पे बोला गया है कि हाइड्रोजन गैस जो आपको ड्राई और प्योर तो चाहिए चाहिए साथ ही साथ वो बोल रहा है कि उसका प्रेशर भी एक एटमोस्फेयर ही चाहिए अब देखो कैसा होगा ना प्रेशर एक एटमोस्फेयर कंटिन्यूसली रखना भी डिफिकल्ट काम है प्रेशर भी तो वैरी होते रहता है ना कभी वन कभी वन कभी वन एग्जैक्ट प्रेशर को मेंटेन रखना वो भी एक डिफिकल्ट काम है तो बस इतना याद रखो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में दो चीजें होती है इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट है H+ आयन का सॉल्यूशन और आपको हाइड्रोजन गैस चाहिए एच प्लस आइन में भी आपको वन मोलर मांग रहा है हाइड्रोजन गैस में बोल रहा है ड्राई और प्योर चाहिए और उसी के साथ साथ प्रेशर भी वन एटमोसफियर चाहिए इतनी सारी चीज़ों को रखना पॉसिबल नहीं है इसलिए हम लोग को डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऑपरेशन को करना और उसकी सेटिंग को असेंबली को क्रिएट करना तो ये रही आपकी डिफिकल्टीज ले लो इसका स्क्रीनशॉट चलिए इसके बाद में हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन गैस जो होता है उसका इलेक्ट्रोड का अगर आपको एक्सप्रेशन निकालना है तो आप लोग कैसे निकालोगे तो चलिए देख लेते हैं उस चीज को देखेंगे हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ सेल पोटेंशियल और ईएमएफ फॉर हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड मतलब आपको सेल पोटेंशियल और यह में आपका वैल्यू निकालना है हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड के लिए तो अगर मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड की तो आपका यहाँ पे रिएक्शन होता है एचप्लस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाइड्रोजन गैस यही होता है आपका एक्सप्रेशन अब सेकेंडली थिंग जो है वो ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी दो है तो ऐपे एचप्लस आयन भी दो रहेंगे इलेक्ट्रॉन भी दो रहेंगे ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई और इलेक्ट्रोड का नाम कौन सा है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड अगर मैं बात करती हूँ नर्स्ट इक्वेशन की जैसे कि मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में नर्स्ट इक्वेशन का एक्सप्रेशन लिखना बताया था कैसे लिखा जाता है तो इसका एक्सप्रेशन जो आपका रहता है वो रहता है ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस हम लोग जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वाला ही ले, ले लेते हैं एक्सप्रेशन टू अपॉन एन log की बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये मैंने आपके नर्स इक्वेशन का फॉर्मेट लिख दिया आपको, e e N, N, reaction, है आपको ठीक है ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट से होगा क्योंकि मैंने जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन टू लिया है चलिए इसी चीज को इस पे अप्लाई कर देंगे अब सेकेंड थिंग जो है वो ये है कि ये जो बन जाएगा आपका ई e सेल यहाँ पे मैं हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड लिख देती हूँ आपका हाइड्रोजन लिख देते हैं इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ हाइड्रोजन क्योंकि हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका मतलब मैंने इसको यहाँ पे ऐसा लिख दिया है माइनस जीरो पॉइंट जीरो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व का वैल्यू कितना है टू तो टू लॉक की बेस टेन अब ध्यान से देखना है आपको आपके यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या आ रहा है हाइड्रोजन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या आ रहा है हाइड्रोजन इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन को लेकिन ध्यान से देखो ये है आपकी गैस जब भी आप किसी भी चीज के गैस के लिए कंसिडरेशन कर रहे हो तो आप हमेशा वहां पे किसको लेते हो प्रेशर को याद रखना है कि अगर आप सोल्यूशन वाली चीज ले रहे हो तो वहां पे आप कंसनट्रेशन को लेते हो अगर आप गैस वाली चीज ले रहे हो तो आप हमेशा प्रेशर को लेते हो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस अगर मैं बात करती हूँ रिएक्टन की तो रिएक्टन में आपका क्या रहा है एच प्लस आय अगर ध्यान से देखा जाए एच प्लस आयन आपके कंसेंट्रेशन है कंसेंट्रेशन रहता है आयन के सोल्यूशन का इसने इसकोट्रेशन का लगाया है इसकी सिंबॉलोमेट्री कितनी है टू। आपको मेरा नारा तो याद ही होगा कि हमेशा पे जाती है पावर में तो स्ट्रोक्योमेट्री पावर में जाएगी ठीक है जो इसके सामने की स्ट्रोक्योमेट्री थी वो इसका पावर बन गया हाइड्रोजन के गैस है इसलिए मैंने प्रेशर लिखा है चलिए आगे अगर मैं बात करूँ तो आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो भी मेरा ई नॉट होता है उसका वैल्यू जीरो होता है भूलो मत स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका एक प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका ई एम एफ का वैल्यू आप जीरो मान के चलते हो इसीलिए तो वो रेफरेंस है ना मतलब आपका स्टैंडर्ड ईमएफ का वैल्यू भी कैसा रहेगा जीरो तो मैं इस स्टैंडर्ड ईमएफ की जगह पे जीरो लिख दूं तो आपका एक्सप्रेशन रहेगा ये वाला आई होप ये वाली चीज सभी को समझ गई हो इसमें कुछ भी नहीं करना है बस दिमाग में क्वेश्चन इतना याद रखना है गैस के लिए प्रेशर लिखा जाता है आयंस के लिए कंसेंट्रेशन लिखा जाता है स्ट्रोक्योमेट्री हमेशा पावर बन जाती है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे लिया इसे 0.0592 रिएक्शन इन्वॉल्व टू है और यहाँ पे आपका सबसे काम की चीज ये वाले वैल्यू क्या है जीरो क्योंकि ये प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है चलिए स्टॉप करते हैं यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज़ डो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल लाइक तो बनता ही है थैंक यू वेरी मच